कीर्ति अपने बेटे दिवाकर और बहू अंशु के साथ रहा करती थी। तीनों बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अरे बहू, आज खाना मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, आप क्या तकलीफ कर रही हैं, आप आराम कीजिए, खाना मैं ही बनाऊंगी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन गलती से अंशु हंसने वाली दवा खा लेती है। बस उस दिन से सब कुछ बदल जाता है। अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो दे दे। अरे बाम लगा कर क्या करोगी माँ जी, मैं पाँव दबा देती हूँ। अरे एक तो मुझे पाँव दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम हंस रही हो। I'm sorry, माँ जी। अरे फिर से हंस रही है, जा तू मेरे कमरे से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हे भगवान, ये क्या हो गया, माँ जी क्या सोचेगी। दो दिन बाद कीर्ति घर में किटी पार्टी रखती है। उसकी सभी सहेलियां घर आने वाली होती हैं। अरे बहू, मेरी कुछ सहेलियां आज दोपहर को घर आने वाली है, आज कुछ खाने में अच्छा सा बनाना। सहेलियां? क्यों, मेरी सहेलियां नहीं हो सकती क्या, तुम फिर से हंस रही हो। नहीं माँ जी, मैं हंस नहीं रही हूँ। अरे फिर से हंस रही हो और बोल रही हो कि हंस नहीं रही। नहीं माँ जी, मैं तो तुम जाओ मेरे सामने से और किचन का काम कर लो, जाओ। दोपहर को कीर्ति की सभी दोस्त खाने पर आ जाती हैं। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है कीर्ति। अरे मैंने कहा, ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। अरे वाह, बड़ी गुनी है तुम्हारी बहू तो। हाँ हाँ, खाना भी अच्छा बनाया है। हाँ बहुत ही गुनी है। तो हमको नहीं मिलवाओगी क्या, या छुपा कर रखोगी अपनी हीरे जैसी बहू को? अरे नहीं नहीं, अभी बुलाती हूँ। अंशु, ओ अंशु, बहू रानी। अंशु बाहर आती है। जी माँ जी। बहू, ये सब मेरी सहेलियाँ हैं, मिलो सबसे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहू तो बहुत अच्छी मिली है तुमको, किस्मत वाली हो तुम। किस्मत वाली? अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। तभी अचानक सांची के हाथ से चम्मच छूट जाता है और उसका कुर्ता गंदा हो जाता है। अंशु फिर से हंसने लगती है। इधर सब सहेलियां गुस्सा होकर चली जाती हैं। कीर्ति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। इस तरह से तो माँ जी और उनकी सहेलियां नाराज हो गई। अगले दिन बहू, ओ बहू किधर हो? जी माँ जी। जल्दी से मेरे साथ चलो, पड़ोस वाले शर्मा जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, उनके घर बैठक के लिए जाना है। अंशु तैयार होकर आ जाती है। थोड़ी देर में दोनों शर्मा जी के घर पहुंच जाती हैं। वहां पर सब रो रहे होते हैं। कीर्ति शर्मा जी की बीवी के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगती है। बड़े अच्छे इंसान थे मेरे पति। अच्छा? तुम हंस क्यों रही हो, वो अच्छे थे? हाँ बहुत अच्छे थे अंकल। अरे अंशु हंस मत। माँ जी मैं हंस दे रही, मैं तो आंटी जी को बस दिलासा दे रही थी। सब औरतें अंशु की इस हरकत से हैरान हो जाती हैं। कीर्ति भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो अंशु को लेकर फटाफट घर लौट आती है। अंशु क्या हो गया है तुझे, हंस क्यों रही थी तू वहाँ पर? नहीं माँ जी, मैं तो बस। अरे तू फिर से हंसती, जा तू अपने कमरे में, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी, मेरा बेटा ही तुझसे बात करेगा अब। रात को जब दिवाकर घर लौट आता है तो कीर्ति दिवाकर को सब कुछ बताती है। ठीक है माँ, अब फिक्र मत करो, मैं अंशु से बात करता हूँ। दिवाकर अपने कमरे में जाता है। जी आ गए आप। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस सर में हल्का दर्द है। सर में दर्द? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं मैं हंस नहीं रही हूँ, मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी। एक तो मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम हंस रही हो। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको, मैं हंस नहीं रही। अंशु तुम इस घर से चली जाओ, माँ ने मुझे बताया जो भी तुमने शर्मा आंटी के घर किया और किटी पार्टी में भी। नहीं जी, मैं ऐसे नहीं हूँ। तो अभी क्या हुआ था, क्यों हंस रही थी तुम? रुकिए, मैं आपको सब कुछ बता दी हूँ आपको सब कुछ। अंशु डायरी में लिखकर दिवाकर को पढ़ने देती है। कुछ दिनों पहले मैंने गलती से हंसने वाली दवा पी ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसका असर कुछ दिन और रहेगा। अरे तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया अंशु? वो मैंने माँ जी को बताने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अरे ठीक है, मगर वादा करो जब तक दवाई का असर ठीक नहीं हो जाता तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, और हंसूंगी तो बिल्कुल नहीं। लो तुम तो फिर से हंस दी।